हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू कैंपस प्लेसमेंट लेकर के आया हूं। तो अगर आप भी हीरो मोटर्स कॉप एलटीडी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप भी इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे इस कंपनी में जॉब ले पाएंगे, इस कंपनी में जाने के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए, आप लोगों को एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप लोगों को इस कंपनी में सैलरी कितना मिलेगा, आप लोगों को कौन कौन सी इस कंपनी में फैसिलिटी दी जा रही है, आपका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही कैंपस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कंपनी नेम हीरो मोटरस्कोप एलटीडी हरिद्वार उत्तराखंड, ये जो है वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए फिर से एक बार हीरो मोटरस्कोप में। और इसका जो है आईटीआई कैंपस रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 फरवरी 2021 ट्यूजडे एट गवर्नमेंट आईटीआई उज्जैन एमपी। तो ये जो है आप लोगों का उज्जैन एमपी में इसका कैंपस लगने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं 10th+ ITI NCVT और SCVT। तो अगर आप 10th किए हुए हैं, साथ में ITI भी किए हुए हैं, NCVT या SCVT किसी से भी आप किए हुए हैं, तो आप इस कंपनी में जॉब ले सकते हैं। ITI ट्रेड्स वालों की बात करें, कौन कौन से ट्रेड्स वाले इस कंपनी में जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। और पासिंग ईयर्स की बात करें 2017, 2018, 2019 पास आउट कैंडिडेट। तो जितने भी 2017, 2018 एंड 2019 के कैंडिडेट होंगे जो ITI किए हुए हैं वो इस कंपनी में जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में जो है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस जो है दोनों के लिए है। तो अगर आप नए हैं तो भी जा सकते हैं, अगर आप लोग एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास तो भी आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप देख पा रहे हैं 18 से 26 ईयर्स के कैंडिडेट को इस कंपनी में लिया जाएगा। और जॉब लोकेशन की बात करें तो आप लोगों को हरिद्वार उत्तराखंड में ही आप लोगों को जॉब लोकेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें, फ्रेशर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अंडर कंपनी ट्रेनिंग और गवर्नमेंट अप्रेंटिस फॉर फिक्स्ड टर्म ऑफ 1 ईयर मंथली इन हैंड। सैलरी विल बी अप्रोक्स आप लोगों को यहां पर सैलरी मिलने वाला है 13,500 से 14,500 तक आप लोगों को नए जो फ्रेशर वाले हैं उन लोगों के लिए। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो अदर बेनिफिट्स में देख पा रहे हैं कि ESI मेडिकल यूनिफॉर्म शूज कैंडी भी आल्सो बी एलिजिबल। तो आप लोगों को इस कंपनी की ओर से जो है मेडिकल यूनिफॉर्म शूज कैंटीन की भी सुविधा दी जा रही है। तो ये अगर आप इस कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू में जरूर शामिल हों। और आगे बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडिडेट विल बी वर्किंग एट कंपनीज ऑन प्लांट एट हरिद्वार। तो यहाँ पर आप लोगों को हरिद्वार प्लांट में जॉब करने को मिलेगा। और इंटरव्यू डेट एंड टाइम की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 फरवरी 2021। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्यूजडे को जाना है और आप लोगों को इंटरव्यू में शामिल होना है। इंटरव्यू एड्रेस की बात करें तो गवर्नमेंट ITI उज्जैन MP में इसका कैंपस होगा। और नोट्स में देख पा रहे हैं कि नोट्स में दिया हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू अलोंग विथ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट अमोंग विथ 2 फोटोज ओनली फॉर मध्य प्रदेश कैंडिडेट। और यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर आप इस कंपनी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा अकेले में। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोगों को ITI 10th का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट और आप लोगों को 2 कलर फोटो। और यहाँ पर जो है सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आज का ये आप लोगों के लिए कैंपस प्लेसमेंट मैं लेकर के आया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार के सुझाव हो, दिक्कत हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही कैंपस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।